बागवानी मंत्री जी, आपके पास हर एक ओपिनियन रहती है अपने डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर को छोड़कर। कुछ सवाल बागवानी क्षेत्र से और आपके डिपार्टमेंट को से लेकर मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा। बागवानी मंत्री जी, मैं जानना चाहूंगा कि बड़े फैनफेयर के साथ आपने जो भी सीजन गया सेब का, उसमें आपने एक पॉलिसी डिसीजन लिया और आपने बोला कि आप 24 किलो के हिसाब से जो बागवान है वो मंडियों में सेब बेचेंगे। क्या ये सक्सेसफुल हुआ? क्या हिमाचल प्रदेश और बाकी जो हिंदुस्तान की जो बाकी मंडियां हैं उसमें 24 किलो के हिसाब से सेब खरीदा गया? क्या आपने पूरी तरह से बागवानी क्षेत्र को कंफ्यूजन के एक स्टेट में नहीं रखा जब ये 24 किलो की हम बात करें? दूसरा मेरा आपसे सवाल है बागवानी मंत्री जी, हम सबको पता है कि इस बार बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई और बागवानी क्षेत्र में भी आई। आपने सेब जो है MIS के तहत हिमफेड और HPMC के माध्यम से आपने हम बागवानों से खरीदे, तो क्या आपने MIS की पेमेंट आपने बागवानों को कर दी है? मैं ये सवाल भी बागवानी मंत्री जी से जरूर पूछना चाहूँगा। इसके अलावा हर दिन प्रतिदिन बागवानी क्षेत्र में हमारे बगीचों में इनपुट लगता है, चाहे वो एंटी हेल नेट्स हो चाहे बाकी इक्विपमेंट्स हो, तो क्या सब्सिडी का भुगतान बागवानी मंत्री जी आप कर रहे हैं? इसका सवाल का भी आप उत्तर जरूर दें। इस आपदा में हमारे काफी बगीचे उजड़े, हमारे को बहुत ज्यादा जिसको हम बोलते हैं हमारी बैकबोन टूटी। क्या आपने बागवानों को उचित मुआवजा उनके बगीचों के, उनके जो सेब उजड़े हैं और जो बाकी उनकी कैश क्रॉप उजड़ी है, उसका मुआवजा आपने दिया? बागवानी मंत्री जी रेवेन्यू मिनिस्टर भी आप हैं, इसका जो आप भी आप जरूर दें। एक और आपने आजकल एक और नया लोगों के बीच में एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करी है कि आप यूनिवर्सल कार्टन को अगले सीजन से लेकर आएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं इसके बारे में भी, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने कॉरिगेटेड बॉक्सेस के जो मैन्युफैक्चरर्स उनसे बात कर ली है? हिमाचल प्रदेश में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? बाकी हिंदुस्तान की बाकी मंडियों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या कैसे होगी? क्या आपने जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, बाकी प्रदेश की सरकारें हैं जहाँ सेब की मंडियां हैं, उनसे आपने संवाद करना शुरू कर दिया है? इसके बारे में भी आप जरूर हमें बताएं। तो मैं यहाँ से आपसे मंत्री जी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे आग्रह कर रहा हूँ, कृपा करके अपने डिपार्टमेंट पर भी फोकस करिए। हम सब आपके जो प्रश्न हमने अभी आपसे पूछे हैं, इसके उत्तर का इंतजार हम जरूर करेंगे। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।